तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम गलती करते हैं ऑन ड्राइव खेलते टाइम या फिर फ्लिक खेलते टाइम। तो क्या होता है कि जब भी हमें बॉल मिलता है पैड लाइन पे और हम फ्लिक मारने की या ऑन ड्राइव मारने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो हेड है वो बॉडी के पीछे रह जाता है और उसकी वजह से क्या होता है हमारा जो शॉट है वो जब हम ऑन ड्राइव मारने की कोशिश करते हैं फ्लिक में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा हेड फॉल करता है ऑफ साइड की तरफ और हमारा ये फ्लिक शॉट लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप फ्लिक शॉट मार रहे हैं ऑन ड्राइव मार रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि क्या आपका जो फ्लिक शॉट लग रहा है या ऑन ड्राइव लग रहा है वो कंट्रोल में है या नहीं। तो उसी के लिए हम आज वर्क करेंगे। जैसे कि आप गाइस देख पा रहे हैं जो मेरा पैड है राइट, उसके जो इनसाइड हाफ है उस साइड अगर बॉल आता है, उस लाइन में बॉल आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑन ड्राइव मारूं बैट को सीधे फेस से खेलूं। और जैसे ही उस लाइन से मेरा स्लाइटली अवे जाता है, मतलब पैड के बाहर की साइड में बॉल जाता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो उस साइड में फ्लिक शॉट खेलूंगा।